हरे कृष्णा, मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सरल तरीके से आपको समझाने की फिर से कोशिश करूँगा। सुदर्शन चक्र के बारे में आपने सुना होगा। मेरे गुरुजी हमेशा ये कहते थे नवनीत, कि अगर आपने सुदर्शन चक्र को देखना नहीं सीखा तो आपने ज्योतिष में कुछ भी नहीं सीखा। ज्योतिष विद्या इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी सुदर्शन चक्र। क्या है सुदर्शन चक्र, कैसे देखते हैं, हॉरोस्कोप खोलूंगा, प्रैक्टिकल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ी सी एक भूमिका, एक बेस मैं आपको जो है कुंडली दिखाने से पहले डेफिनेटली समझाना चाहूंगा। देखिए, हमारी कुंडली के अंदर लगन कुंडली होती है, नेटल चार्ट, D1 चार्ट जिसे हम बोलते हैं। ये स्नैपशॉट है उस समय का जब आपका जन्म हुआ, कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन सी राशियों में थे, और उनको 12 घरों में जो है और 9 ग्रहों को 12 राशियों में डाल दिया जाता है। वहां से हम अनुमान लगाना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा होगा कि आप चंद्र कुंडली बनाओ, आप सूर्य कुंडली बनाओ, मतलब जहां पर चंद्रमा विराजमान है उसको असेंडेंट बना दो राशि के साथ। मान लीजिए आपके मेष लगन की कुंडली है और आपके चंद्रमा नीच है, वृश्चिक राशि में विराजमान है 8 नंबर के अंदर, तो 8 नंबर को लगन बनाकर पूरी कुंडली को उस तरह से घुमा दीजिए जो चंद्र लगन की कुंडली बन गई। इसी प्रकार सूर्य लगन की कुंडली बन जाती है, तो सूर्य लगन की कुंडली, चंद्र लगन की कुंडली, नवांश और D1 चार्ट, इन सबको सामने रखकर जो है विवेचन और विश्लेषण किया जाता है, सटीक उपाय देने के लिए या जीवन की लीलाओं को समझने के लिए। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगन कुंडली के बाद कैसे आती है, यानी कि सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली आपकी मानसिकता के बारे में बताती है, आपका माइंड, आपका मन कितना स्ट्रांग है। अब कभी कभी लगन कुंडली से हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो चंद्र कुंडली को जो है हम एनालाइज करना शुरू करते हैं कि मन से इसके ग्रह कैसे हैं, अपनी एजुकेशन को इंसान कैसे देखता है, इसका मैरिज की तरफ क्या पर्सपेक्टिव है, प्रोफेशन की तरफ, प्रॉफिट की तरफ, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसका माइंड कैसा है, कहीं माइंड खराब तो नहीं है, कोई माइंड के अंदर किसी तरह की कमी तो नहीं है, मन से इसका जीवन कैसा चल रहा है। एक तो जीवन प्रभु ने दिया, एक हमारे मन से कैसा हम जीवन चला रहे हैं। इसी तरह से सूर्य कुंडली भी बनती है, सूर्य को लगन में लाकर राशि वाइज ऐसे ही घुमाकर जो कुंडली बनती है वो सूर्य कुंडली बन जाती है। सूर्य आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी ईगो, आपकी एक विल पावर, एक इंटरनल शक्ति, एक कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो सूर्य कुंडली से पता चलता है। कभी कभी लगन कुंडली से कॉन्फिडेंस का इतना अनुमान नहीं लगा सकते हम जितना सूर्य कुंडली से कॉन्फिडेंस के बारे में हम किसी जातक के जान सकते हैं। अब इन तीनों कुंडलियों को सामने रखकर एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इन तीनों कुंडली को आपने एम्बाइब कर दिया एक चक्र में जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इससे क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे इस चीज से हम रिजल्ट लेते हैं, और फटाफट से आपको एक छोटा सा आज का ही प्रश्न कुंडली का बना लेंगे। अगर किसी बच्चे का अभी जन्म हुआ है तो कैसी उसकी कुंडली होगी, और उसका सुदर्शन चक्र देख लेते हैं जाके। आपको अगले 10 मिनट में ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने आपके साथ अपना सॉफ्टवेयर जो है इसको शेयर कर लिया, और मैं आपको सबसे पहले इस बच्चे का नेटल चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुंडली है, यहाँ पर ये मैंने अभी का प्रश्न लगाया है 2 दिसंबर इस समय लुधियाना पंजाब में, और ये लगन कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली बनी है, चंद्रमा जो है द्वादश भाव में गए हैं, भृगु बिंदु पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है, और ये स्थिति है ग्रहों की, यहाँ पर बृहस्पति और शनि सप्तम भाव में जो है ये यहाँ पर बैठे हैं, धर्म कर्म राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति नीच भंगता भी है, शुक्र की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर पूरी है, सम ग्रह है, तो ये एक
बहुत अच्छे योग है ये, देखिए पंचम भाव का स्वामी नवम भाव के अंदर है, राइट। नवम भाव का स्वामी चाहे नीच हुआ सप्तम में जाकर, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है। राहु देखिए कितना ब्यूटीफुल बैठा है इस कुंडली के अंदर, राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर धन का भाव है, तो एकदम से बहुत सारा धन देना राहु की नेचर है और 11th भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इसकी अगर मैं चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली यहाँ पर सामने रख के अलग अलग देखूं तो शायद मैं प्रॉपर वैसे किसी जातक का अनुमान ना लगा सकूं, इसलिए हमारे पास सुदर्शन चक्र की फैसिलिटी है। ये देखो ये ना जो अंदर वाला सर्कल है, ये अंदर वाला जो सर्कल है ये आपकी लग्न कुंडली है। 4 नंबर लग्न था ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस। ये देखिए 7th हाउस में जहाँ पे मैंने कहा था धर्म कर्म राजयोग है, 8th हाउस, 9th हाउस, ठीक है, यह 9th हाउस था, 10th हाउस, 11th हाउस में जहाँ राहु बैठे थे अभी दिखाया, और भृगु बिंदु पॉइंट 12th हाउस में चंद्र के साथ। तो इंटरनल सर्कल में ये 12 पोर्शन के अंदर जो है आपकी लग्न कुंडली बन गई। फिर हमने चंद्र कुंडली, चंद्र ये थे, इसको लग्न बना के 12 घरों में सभी राशियों और ग्रहों को फिट कर लिया, और फिर सूर्य को, सूर्य को यहाँ पर लग्न बनाया और सूर्य को ऐसे 12 राशियों में पूरी कुंडली यहाँ पर फिट कर ली। अब फायदा क्या हुआ, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज होता है। सपोज मेरे पास कोई आया और वो कहता है नवनीत सर आप मुझे बताओ कि इस इंसान का जो है लगन कैसा है। मैं कहूँगा ऑब्वियसली यहाँ पर लगन तो कर्क लगन है इसका, और इमोशनल और सेंटिमेंटल लोग होते हैं, राजा राम का ये लगन था, लेकिन इसके लगन को यहाँ पर बुध देवता, क्योंकि चंद्रमा बुध की राशि में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मंगल देवता भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे इसका मन है, ये इसका कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस यहाँ पे लगता है। सूर्य जो है अपनी मित्र राशि में यहाँ पर विराजमान है, साथ में बुध देवता और केतु देवता, यहाँ पर एक ग्रहण जरूर लगा है यहाँ पर इसके कॉन्फिडेंस को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमोशनल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो डिले से आएगा, क्योंकि सूर्य के साथ केतु यहाँ पर विराजमान है और कम्युनिकेटिव पर्सन होगा। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत सटीक इंफॉर्मेशन इस इंसान के लगन, मन और कॉन्फिडेंस के बारे में मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में यहाँ पर लगन कुंडली में 3rd भाव के अंदर बुध की इंपॉर्टेंस है, सूर्य की इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर देखिए 3rd हाउस के अंदर इसका जो है धर्म कर्म राजयोग बन रहा है, बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन शनि और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हुए 3rे घर में कॉन्फिडेंस के लेवल पे। ये 3रे घर के अंदर शनि की पोजीशन गुरु मांगती है, वो कहती है कि मेरे जीवन में अगर गुरु आ जाए तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा कहते नवनीत अगर 3rd हाउस में किसी के भी शनि आ गया उसको गुरु के पास जाकर नामदान देना चाहिए। अब इसका कॉन्फिडेंस तभी आएगा इस जातक का अगर इसके लाइफ में नो गुरु आ जाए, इसको इनिशिएट कर दें, इसको नामदान दे दें। और बृहस्पति की 3rd हाउस में भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है, एक तरह से बृहस्पति का जो है मरण स्थान होता है 3rd हाउस के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो वो इतना अच्छा यहाँ पर नहीं माना जाता है बृहस्पति। सो टेक्निकली यहाँ पर इसको कम्युनिकेशन में ये बोल तो अच्छा सकेगा, राइट, और इसका मन में भी थोड़ी ईगो रहेगी कि मैं अच्छा बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक गुरु का आशीर्वाद इस जातक को अपने जीवन में नहीं मिलेगा तब तक कहीं ना कहीं पर इसको पूरा रिजल्ट अपनी कम्युनिकेशन से, अपने पराक्रम से नहीं मिल पाएगा। देखिए कितनी मजेदार चीज है कि यहाँ पर लग्न कुंडली भी मुझे नजर आ रही है, चंद्र कुंडली के एस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं, और सूर्य भी, कॉन्फिडेंस भी पता लग रहा है 3rd हाउस में कहाँ किस लेवल पे गया है, मन कैसा है और तन कैसा है, लगन कुंडली कैसी है। आगे बढ़ते हैं और मजे की चीजें सीखते हैं। 4th भाव के अंदर देखिए यहाँ पर शुक्र थे, 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शुक्र देवता की 4th हाउस में होती है, अपनी राशि के बैठे हैं, लग्जरी मिलेगी जीवन में, अच्छा घर, संपन्न चीजें, गाड़ियां, यू नो कंफर्ट ऑफ लाइफ मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुध देवता और शनि देवता भी इसमें रोल निभाएंगे, क्योंकि मन उसका यहाँ पर बुध देवता कंट्रोल कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस जो है सैटर्न। फिर से यहाँ पर वही रिक्वायरमेंट हुई कि इस जातक को कहीं ना कहीं पर यू नो ही विल हैव टू हैव अ गुरु टू अटेन लग्जरीज ऑफ लाइफ, टू अटेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ, टू अटेन यू नो कंफर्ट्स, गाड़ियां, वाहन, यू नो
आपके अच्छा बंगलो घर ये सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे ये सपोर्ट भी चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये पंचम हाउस आ गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से इसकी एजुकेशन के बारे में पता लगता है। अब एजुकेशन में यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा था और कहीं ना कहीं पर सूर्य जो है केतु के साथ थे, लेकिन मन देखिए, मन शुक्र चंद्र कुंडली है ना सेकंड नंबर पे, तो मन उनका शुक्र यहाँ पर ले आया है और उनका जो ईगो है, कॉन्फिडेंस लेवल है, स्वाभिमान है, वो मंगल देख रहा है। तो ऐसे जातक यहाँ पर अगर फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रॉपर्टी, मंगल भूमि और यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन करें, राइट, तो बहुत क्रिएटिविटी जो है, कम्युनिकेशन होगी, तो एज एन इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर केतु थोड़ा डिले करें, लेकिन स्व राशि के अगर शुक्र और मित्र राशि के मंगल की अगर यहाँ पर हम इसको एडवाइस दे देते हैं बच्चे को, तो ये जो डिले है सूर्य केतु की, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखिए कितना मजेदार ये चीज है कि लग्न कुंडली के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम कितना है, चंद्र कुंडली भी बता रही है और साथ ही साथ आपकी जो है सूर्य कुंडली भी साथ में आपको सारे के सारे रिजल्ट समझा रही है। बहुत सी चीजें, आप ये 11th हाउस देखते हैं, धन, राहु, सुपर्ब, लेकिन राहु ये कह रहे हैं मन के साथ कि मंगल से ही अगर तुम्हारा मन लगा है, मंगल से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो इंटीरियर डिजाइनिंग की, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जुड़े और अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और बहुत सी क्रिएटिव थॉट्स छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपने डालने शुरू किए, तो आपके पास इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए कितना डीपली विश्लेषण हो रहा है मन का भी, आपके कॉन्फिडेंस का भी और कुंडली का भी। तो ये है सुदर्शन चक्र। जब भी मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, ठीक है मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर, जब भी मैं किसी की कुंडली देखने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र को देखता हूँ कि किस आस्पेक्ट में जीवन कटा होगा, चाहे विवाह है, विवाह में केवल वो दो ग्रह या चार ग्रह या सप्तम भाव या बारहवां भाव या चतुर्थ भाव नहीं, आप चंद्र लगन से भी देखिए सप्तम भाव क्या कहता है, आप सूर्य लगन से भी देखिए कि सप्तम भाव क्या कहता है, आपको कॉन्फिडेंस, आपका मन और आपकी लगन कुंडली, इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन आप लाकर अगर एक स्टेटमेंट किसी भी जातक को देते हैं, तो 100% जो है आपको थोड़ी सी बेटर प्रोफिशिएंसी किसी की कुंडली को प्रिडिक्ट करने में या रिजल्ट उनको देने में आप बहुत अच्छी तरह से सक्षम हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। देखिए आपने उसको एजुकेशन का तो बता दिया, अगर आपने एक सटीक लाइन बता दी उसको, प्रॉफिट कहाँ से आएगा उसके जीवन के अंदर, शादी में मन कहाँ पर है और कॉन्फिडेंस कहाँ पर है, ये सारी चीजों की अगर काउंसलिंग दे दी, यही छोटी छोटी चीजें कंसल्टेशन के अंदर, काउंसलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं। तो अगर आप इस चीज को देखते हैं सुदर्शन चक्र को, जब भी मैं कुंडली देखता हूँ, हो सकता है कि मेरे जातकों को या जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता ना लगता हो कि मैं उनको ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने सुदर्शन चक्र खुले होते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि ये मन इसका कहाँ है, इसका कॉन्फिडेंस कहाँ है और कुंडली इसकी, लगन कुंडली क्या बोल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप बनाकर किसी को भी आप गाइड करते हैं या अपनी कुंडली में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए इतने सरल तरीके से सुदर्शन चक्र किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, और ना आज तक आपको समझ आया होगा, आज के बाद आपको वो 100% समझ आ जाएगा। और कितना आसान, कितना सिंपल तरीका है, राइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर किसी का भला हुआ थोड़ा सा भी तो श्रेय आपको जरूर मिलेगा उसमें, राइट। एंड इफ यू वांट टू बुक कंसल्टेशंस, डिस्क्रिप्शन में नीचे देयर इज अ नंबर, देयर इज अ वेबसाइट एंड आल्सो आई टीच ज्योतिष, राइट। तो बहुत सी कंट्रीज के बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत इंजॉय करते हैं हम अपनी क्लासेस को, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। सो मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊंगा, टिल देन हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत